वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज एक और इंटरेस्टिंग केस देखते हैं। तो ये जो केस है ना, ये जो केस है एक 32-33 ईयर ओल्ड फीमेल पेशेंट है। उसके साथ क्या चल रहा है अभी कि उसको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, ठीक है, ब्रेस्ट में पेन होता है उसको, और मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ है, और जब पीरियड आता है तो बहुत लंबा लंबा पीरियड आता है। तो अभी देखो आप इसके ना, और पूरे शरीर में दर्द करता है, ठीक है। तो मैंने पूछा कि क्या टेंशन है इसको लेके, बोला डॉक्टर साहब टेंशन तो बहुत ज़्यादा है, ये कब से मैं इस समस्या से परेशान हूँ लेकिन कोई भी इलाज सॉल्यूशन नहीं मिल रहा मेरे को। इवन डॉक्टर के पास जाती हूँ, दवाइयाँ देते हैं डॉक्टर्स, और तो थोड़ा बहुत ब्लीडिंग कम हो जाता है लेकिन वो वापस फिर से शुरू हो जाती है, ठीक है। तो मैंने पूछा, क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है तो फिर मैंने उसके, ब्लीडिंग मतलब थोड़ा सा ब्लड रिलेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो फिर मैंने को मतलब रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो मैंने उसको समझने की कोशिश किया कि बताओ घर में क्या चल रहा है। तो बोला कि डॉक्टर साहब मत पूछिए। मैंने कहा क्या मतलब, क्या मतलब बोलो आप, थोड़ा सा क्लियर करो। तो मैंने कहा हस्बैंड क्या करते हैं, तो बोलते हैं हस्बैंड कुछ नहीं करते डॉक्टर साहब, मतलब दारू पीते हैं, ड्रिंक करते हैं। अच्छा, ड्रिंक करते हैं, तो बोला ड्रिंक करके आते हैं। तो फिर आप तो समझते ही होंगे कि किसी का हस्बैंड यदि ड्रिंक करेगा तो उसकी वाइफ के क्या हाल होंगे। मेरी जिंदगी तो नर्क कर दिया डॉक्टर साहब, उनने सीधा वर्ड बोला उसने। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा और ऊपर से ये दर्द, ऊपर से ये दर्द भी इतना तकलीफ दे रहा है, इतना तकलीफ दे रहा है कि लगता है कि क्या कर ले इस दर्द की वजह से, इतना ज़्यादा तकलीफ है मेरे को, ठीक है। तो मैंने कहा और, मैंने कहा बच्चे कितने हैं आपके, बोले दो बच्चे हैं। तो मैंने कहा बच्चों के साथ कैसा है, तो बोला बच्चा एक तो ठीक है, एक बच्चा तो बहुत परेशान कर रखा है डॉक्टर साहब, वो मेरी बात नहीं मानता है, मैं जैसा बोलती हूँ उसका बिल्कुल उल्टा पुल्टा करता रहता है, उससे भी उसके ऊपर भी मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा खराब रहता है। मैंने कहा और, तो मैंने पूछा कि हस्बैंड ड्रिंक करके आते हैं तो क्या करते हैं वो, थोड़ा इसको बताओ आप। तो बोलती है कि डॉक्टर साहब जब हस्बैंड ड्रिंक करके आते हैं ना, तो मुझे तो आप समझ सकते हैं अपने मन की मैं क्या बोलूँ मैं आपको, वो गालियाँ देते हैं, ठीक है, डेली पी के आना है उनको, डेली वो मुझे फोर्स करते हैं सेक्स के लिए, वो मुझे डेली फोर्स करते हैं, मना करो तो गुस्सा करते हैं, गालियां देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, कुछ भी हरकत करते हैं, ठीक है। और अब जैसे फोर्स करते हैं, मना करो तो ये सारी चीज़ जो मैंने बताई वो सब मेरे साथ करते हैं, इवन मन नहीं करता तो भी मुझे ज़बरदस्ती करना पड़ता है। और मेरे को तो छोड़ो, मेरे बाप दादाओं के ऊपर भी जाते हैं कि तुम्हारे फादर को भी गालियाँ, मतलब मेरे पेरेंट्स को भी वो इतनी ज़्यादा गालियाँ देते हैं वो, ठीक है। तो और ये बोलते हैं कि तुम्हारे वो पेरेंट्स ने मुझे शादी में कुछ नहीं दिया, ठीक है, वो पुरानी बात है, उन निकालते हैं और इस तरीके से मुझे टॉर्चर करते हैं डॉक्टर साहब। मैंने कहा और बोला अभी जैसे इस बच्चे के बारे में बताया ना, तो ये इतना ज़्यादा परेशान करता है, अभी देखो आप जैसे मैं कहीं जा रही हूँ इसको लेके गई तो वहाँ से ये चलो मम्मा पीछे लग जाएगा, मुझे अपने काम जो करने गई हूँ मैं वो करने नहीं देगा, मुझे घर वापस ले आएगा। और मैंने इसको रोकने टोकने की कोशिश करी तो ये ऊपर से जैसे कुछ लोग घर पे आए तो उनके आसपास नहीं जाएगा, ये मेरे पीछे पीछे घूमेगा और मेरे को मेरा काम नहीं करने देगा, ठीक है। और मैं इसको डांटूंगी ना तो ये फिर उल्टा मेरे को इतना बदतमीज है कि गालियां देता है, ठीक है, ये सारी हरकतों से मैं तो डॉक्टर साहब मत पूछो, मैं तो क्या बोल ही सकती हूँ कि मेरी इन लोगों ने क्या हालत कर दी है। तो फिर मैंने कहा इस बच्चे को कैसे मैनेज करती हो आप, तो उसने बोला कि डॉक्टर साहब गुस्सा तो आता है, मैं क्या करूं, इतना गुस्सा आता है कि लगता है इसको पीट दूं, इवन कई बार पीट भी देती हूं, फिर मुझे ही बाद में रोना आता कि मैंने ऐसा
क्यों कर दिया। तो फ्रेंड्स इस केस के हम रूब्रिक समझते हैं। तो इस केस में ना सबसे पहले देखो आप कि ये जो लेडी है सबसे ज़्यादा क्या फील कर रही है। इस बीमारी ने इसको तंग करके रखा है, इसके हस्बैंड ने इसको तंग करके रखा है, इसके बच्चे ने इसको तंग करके रखा है, ठीक है। तो किस लेवल का तंग है, ठीक है, इसको बोलते हैं टॉर्मेंटिंग। जब आपको ऐसा फील आए ना कि ये जो बंदा, ये जो पेशेंट है ना, क्या फील कर रही है, ठीक है, तो यही कहलाता है उसका टॉर्मेंटिंग। टॉर्मेंट मतलब प्रताड़ित कर दिया है। उसने खुद ही बोला मैं लाइफ का क्या हो गया है, आप देखो आप। तो ये है डिल्यूजन, टॉर्मेंटेड सीज। अब एक बींग अ वूमन, उसकी कोई अपनी इज्जत होती है, जब उसके साथ ऐसा किया जाएगा तो उसको क्या फील होगा, डिल्यूजन इंसल्टेड सीज। और सबसे ज्यादा इसके साथ क्या हो रहा है, एब्यूज्ड हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूप ब्रेक है। कई बार आपने अपने सिनेरियोज में देखा होगा कि बहुत सारी फीमेल्स, अभी भी गांव में देखेंगे आप तो फीमेल्स के साथ क्या हो रहा है, हस्बैंड नहीं तो शादी के बाद उसके इन-लॉज, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, ठीक है, तुमको ढंग से काम करते नहीं आता, तुमको ऐसा नहीं आता, वैसा नहीं आता, गालियां भी पड़ती हैं। तो ऑल दीज आर द एब्यूज्ड, ठीक है, मारना हर बार, वर्बल एब्यूज भी होता है, फिजिकल एब्यूज भी होता है, ठीक है। तो ये कहलाता है एलिमेंट फ्रॉम एब्यूज्ड बीइंग। तो डिल्यूजन टॉर्मेंटेड में बहुत कम रिमेडी है, डिल्यूजन टॉर्मेंटेड एंड एलिमेंट फ्रॉम एब्यूज्ड बीइंग ही लगाएंगे तो रिमेडी आपका आ जाएगा, रिमेडी वॉज लाइसिन। अभी आप देखो और रूब्रिक देख सकते हैं इसके, ठीक है। इसने बोला ना कि मेरी जिंदगी क्या, डॉक्टर साहब आप समझ सकते हैं कि मतलब नर्क जहन्नुम बन गई मेरी जिंदगी, ठीक है। अरे यार आप खुद ही समझो कि मतलब एक मीडियन फैमिली होता है, एक वाइफ वुमन के लिए और एक उसका मतलब मायका, एक ससुराल, ठीक है, उसकी इतनी जिंदगी होती है। अभी अपने मायके में जैसी भी तो जैसे भी थी तो वो ठीक थी, लेकिन अभी यहाँ पर उसकी लाइफ को इन लोगों ने नर्क बना दिया है, ठीक है। तो डिल्यूजन हेल, ही इज इन हेल। और एक और बढ़िया रूब्रिक है, तो इसको ना उसको बच्चे को मार देती है, पीट देती है, फिर उसके बाद इसको पछतावा होता है। तो जब गुस्से में आती है तो मार देती है, तो रेज फॉलोड बाय रेज, गुस्सा इतना कि मार देती है, तो रेज फॉलोड बाय रिपेंटेंस, है ना। तो ये एक रूब्रिक हो गया। और उसने बोला था कि डॉक्टर साहब मैं और कर भी क्या सकती हूँ, हैं, तो डिल्यूजन नथिंग, सी कुड डू नथिंग, ठीक है। तो ये सारे जब रूब्रिक आप लगाएंगे तो आपके पास रेमेडी आती है लाइसिन। तो ये पेशेंट लाइसिन है, और इस तरीके के शेड आपको कई बार आपको आपकी क्लिनिक पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक पेशेंट और था, अभी देखो इस पेशेंट को ना, ये भी माइग्रेन का केस था, ये भी एक फीमेल पेशेंट है, ठीक है। तो मैंने पूछा कि तुम्हारा सर दर्द कौन है, ठीक है, डायरेक्ट सर दर्द, क्योंकि सर दर्द मतलब सराउंडिंग्स में कुछ सिर दर्द चल रहा है, ठीक है। तो उसने बोला कि डॉक्टर साहब सर दर्द घर में क्या, घर में कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है ना, कभी कुछ घर में सास बहू के झगड़े ये सब तो चलते ही रहते हैं, ठीक है। तो लड़ाई झगड़ा मारपीट ये सब चलता रहता है, कभी मतलब देवरानी से झगड़ा, कभी जेठानी से झगड़ा, हमारे यहाँ तो सब ऐसा ही चलता रहता है। और सबसे ज़्यादा तो मेरे घर में ही लड़ाई होती है, और सबसे ज़्यादा लोग मुझे ही मारते हैं, ठीक है। तो ये जो मारपीट लड़ाई झगड़ा, तो यहाँ पे जब मैंने वही बताया कि जब ये वो मंस अपने ससुराल में आती है ना, तो वहाँ पे इनको गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो एलिमेंट फ्रॉम एब्यूज्ड बीइंग इसमें बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, तो इनको गलत तरीके से मिसबिहेव किया जाता है, गलत तरीके से इनको ट्रीट किया जाता है। तो फिर जब ये माहौल ही ऐसा रहता हो तो इसलिए उनको ऐसा फील होता है कि मेरी ज़िंदगी तो नर्क। तो मैंने पूछा कि अभी आप
मैंने क्या पूछा था उससे, एक क्वेश्चन मैंने बहुत पूछा था, बहुत बढ़िया सा, कि आपको क्या हो रहा है, मन मन में क्या चल रहा है आपके, और इसको लेके कुछ कुछ और दिमाग में नहीं आता कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको कुछ समझ में नहीं आता, तो बोलते डॉक्टर साहब मैं क्या कर सकती हूँ, आप बताओ ना, हस्बैंड ऐसा है, बच्चे ऐसे हैं, मैं कुछ कर सकती थी ना तो अब तक कर डालती, बट मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ, ठीक है, ना तो हस्बैंड के साथ और ना तो इस बच्चे के साथ, तो इस बच्चे को तो मैं लेके आऊंगी, तो आप इसकी दवाई देना, बाकी हस्बैंड का देखेंगे। तो ये जो एक छोटा सा केस था ना, इसको समझते हैं, ठीक है। और तो इस केस में ना बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग पॉइंट थे कुछ, तो इसको देखिए, ये जो सारे रूब्रिक्स और जो आपको ये इस तरीके का रिमेडी है लाइसिन, ठीक है, तो आपको समझा होगा कि लाइसिन का पेशेंट कितना ज़्यादा टॉर्मेंटेड, कितना ज़्यादा अब्यूज्ड फील करता है, कितना ज़्यादा। तो कई बार आपको पेशेंट ऐसे भी आएंगे, जैसे चाइना भी एक रिमेडी है जो टॉर्मेंट फील करती है, ठीक है, तो आप ये समझो कि इस पेशेंट में ना, जैसे मेरे पास एक पेशेंट था, उसको इचिंग इतना भयंकर होता, इतना भयंकर इचिंग होता कि मत पूछो डॉक्टर साहब, नर्क बना दिया इस खुजली ने, खुजली ने तो मेरी जिंदगी को नर्क बना दी, तो डिल्यूजन हेल ही इज इन एंड डिल्यूजन टॉर्मेंटेड, है ना। तो इस तरीके से आप रूब्रिक को ले सकते हैं। तो दिस इज लिटिल अबाउट लाइसिन। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।